मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित भाजपा नेता और सेरी कोठी पंचायत उप प्रधान द्वारा सर्टिफिकेट के बहाने महिला को होटल में बुला दुष्कर्म करने के मामले में बिटिया फाउंडेशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। फाउंडेशन की अध्यक्षता सीमा संख्यान के वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि यदि दुष्कर्म आरोपी उप प्रधान की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिटिया फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और आम जनता सहित सुंदरनगर की सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन के साथ चक्का जाम भी करेगी। सीमा ने एसपी मंडी गुरुदेव सिंह से भी मांग की है कि जो लोग पिछले 3 दिनों से इस मामले को दबाने में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाए। सुंदरनगर सेरी कोठी पंचायत के उप प्रधान द्वारा जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है उसमें मैं बिटिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान ये कहना चाहती हूँ कि महिला के साथ जो उसको सर्टिफिकेट देने के बहाने होटल में बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उस दोषी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जैसे कि पिछले 3 दिनों से इस मामले को दबाए जाने की कोशिश करी जा रही है, तो मैं सुंदरनगर के पूरे पुलिस प्रशासन से और पूरे हिमाचल के पूरे प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जो भी इस दुष्कर्म में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो अगर उनको सजा नहीं मिलती है तो पूरा बिटिया फाउंडेशन संस्था और इसके साथ अनेक संस्थाएं और वहां के स्थानीय लोग जो है उस महिला को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पे उतरेगी और उसको इंसाफ दिलाएगी। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।